आज क्या मैं प्रॉब्लम है? अपने पैतृक गांव सामलो कला के अंदर आया हूँ। यहाँ से आधे घंटे के रास्ते पे मेरी लोकसभा का कार्यक्षेत्र शुरू हो जाता है। बिना किसी राजनीतिक बात के अपने गांव से मैं अपील करने के लिए आया हूँ कि ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई इस देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। हरियाणा के अंदर जिस तरीके से नशे का कारोबार फलीभूत हो रहा है, हरियाणा के अंदर जिस तरीके से अपराध बढ़ता जा रहा है, कहीं सरपंच को गोली मारी जा रही है, कहीं किसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को गोली मारी जा रही है, कई कई गोलियां चला के व्यापारियों से फिरौती मांगी जा रही है। हरियाणा के अंदर अब लोग पलायन की बात सोचने लगे। जो हरियाणा जहाँ हर जाति और धर्म का आपस पारी में काका ताऊ का रिश्ता होता था, ये स्थिति हरियाणा के अंदर कभी नहीं होती थी। जाति और धर्म का जो जहर इस खट्टर सरकार ने यहाँ पे बो दिया, अब इसको धक्का मारने का समय आ गया। और देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जिस प्रकार से ईडी और सीबीआई के माध्यम से तंग किया जा रहा है, जिस प्रकार मनरेगा मजदूरों का बुरा हाल किया गया है, जिस प्रकार से सरपंचों के अधिकारों को कटौती कर दी गई है, जिस प्रकार से हर वर्ग के सरकारी कर्मचारी को तानाशाही बढ़ती जा रही है, जिस प्रकार से 24-24 घंटे के बिजली के कट रहते हैं, कई कई साल तक बिजली का कनेक्शन ट्यूबवेल का मिलता नहीं है, इन सारी व्यवस्थाओं को बदलने की जरूरत है। मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि इस प्रदेश की आवाज बन के भारत की संसद के अंदर जोरदार तरीके से पेश करूंगा। हरियाणा की एक एक समस्या देश की संसद के अंदर रखूंगा और देश की संसद से हरियाणा के हिस्से का हिसाब लेके आऊंगा।